फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं विजेता और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। जनमानस का दर्द अपने दिल में धड़के, ऐसी शख्सियत बेहद कम ही नजर आती है। जब कोरोना से देश और दुनिया त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रही है, तो सहायता के लिए मेरठ की दीवान फैमिली भी कहां पीछे रहने वाली है। दीवान पब्लिक स्कूल व रेबरमैन एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन राजेश दीवान ने 51 लाख रुपए देकर तमाम दानदाताओं में हलचल पैदा कर दी। उत्तर प्रदेश में भी अभी तक इतनी बड़ी धनराशि संभवतः किसी भी प्राइवेट कंपनी की तरफ से नहीं दी गई है। बेहद जिंदा दिल वे आकर्षक शख्सियत के मालिक राजेश दीवान मदरहुड विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य भी हैं। हाल ही में उन्होंने लास वेगास में आयोजित सेमा ऑटोमोबाइल शो में आरएमएल टायर्स इंडिया का अपनी पत्नी व निदेशक नीरू दीवान के संग स्टॉल लगाकर टायर उद्योग में तहलका मचा दिया था। फर्स्ट बाइट ने आज उनकी इस दरिया दिली व इंसानियत का अच्छा पैगाम देने पर उनसे मुलाकात की। आइए देखते हैं। I am Rajesh Dewan, belong from Merit. We have been running an industrial house here, manufacturing auto body tires and tube in a rubberman enterprise limited company, mainly exporting to US and other Gulf countries. And we are into education schools, where we are maintaining one of the best schools in UP, the name and style of Dewan Public School. Where we have got 4 or 5 branches from Hapur, 3 branches in Merit. We house more than 15,000 students and one of the best rating schools, one of the best results. And this year we have got All India first rank topper from us with 99.8% marks. 500 out of 500 marks, he scored 498 marks. The first rank of CBSE All India was from our school. Third rank was from our school. And 6th, 7th and 8th, 6 people in 8th rank. Almost 12 people are there in All India rank this day. And the President of India has awarded our students this year. And Prime Minister Modi has also given a letter of appreciation and welcomed our students and awarded our students this year for their achievement. And as you know, this is a very global crisis. देश के अंदर आपातकाल स्थिति है। इस भयावह स्थिति में युद्ध स्तर पर जहाँ अदृश्य बारिश है, हाहाकार मचा रखा है, उस वक्त इमरजेंसी में जिस तरह से सरकारी तंत्र, हमारी सरकार, प्रशासन और देश के CM और मुखिया मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से अपने कुशल नेतृत्व से देश की 125 करोड़ की जनसंख्या को एक निर्धारित और बहुत ही अच्छी टेक्निक के साथ इस महामारी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। वी ऑल आर इंडियंस, हमें सबको राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और अपने मुख्यमंत्री जी योगी जी के साथ चलना पड़ेगा। उनके साथ चल के ही हम जो है इस विपत्ति से निजात पा सकते हैं। उनके कुशल नेतृत्व को हम जो हैं निस्संदेह और निसंकोच हम अगर लेके चलते हैं तो भारत जो है इस महामारी से ही नहीं विश्व भर में अपनी जो है छवि निखार के आएगा। यही वक्त है कि राष्ट्र के साथ खड़े होने का और अपने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर और एक देश का जिम्मेदारी नागरिक होने के आह्वान पर इस समय राष्ट्र के साथ खड़ा होने की उसमें मैं अपनी क्षमता, जो भी मेरी क्षमता थी, जो भी मेरा सामर्थ्य था, इसमें से 30 लाख प्रधानमंत्री राजकोष के लिए और 21 लाख योगी जी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के राजकोष के लिए मैं DM साहब के सुपुर्द मैंने दिए हैं। जितने भी हमारे यहाँ पर सेवादार हैं, गुरुद्वारे हैं, वहाँ पर भी मैंने जो है
अपनी लंगर सेवा चालू कराई है, बहुत मान दिया है। जो गुरुसेवक जो गुरुद्वारे में जो हम मैंने देखा सिख भाइयों को, उनकी कर्मठता को, उनकी देशभक्ति को, उनकी मानव की सेवा भक्ति को देखा, उससे प्रभावित होकर मैं नतमस्तक होकर वो लोग जाके सब जगह राशन बांटना, लंगर देना, निर्भाव निर्लेप निस्वार्थ के साथ उनकी सेवा को देख के मैंने भी उनके साथ मेरा बहुत भाग्य था कि उन्होंने मुझे अपने स्थान जगह दी, स्थान दिया और वापस उनके साथ लग के मैंने भी भंडारे में शो किया। इसके अतिरिक्त इस समय पर्सनल प्रोटेक्टिव किट PPE जो कि अति आवश्यक है हमारे डॉक्टर्स के लिए, हमारे नर्सेज के लिए, हमारे उच्च अधिकारियों के लिए जो हॉस्पिटलों में जाके अस्पतालों में जाकर मरीजों के साथ डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं, अनुशासन पालन करने के लिए, अनुशासन बनाने के लिए डॉक्टर्स जो हैं निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं मरीजों की, उनके लिए तो मैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से जहाँ से भी है 500 पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स और 25,000 मास्क मैंने दिल्ली में एक संस्था से मंगाए हैं, जो आज रात तक ट्रक से आ जाएंगे। तो वो सब उच्च जिला अधिकारी जी के माध्यम से मैं उस सबको जो है वितरित कराऊंगा। यही टाइम है देश के साथ खड़े होने का, राज्य के साथ खड़े होने का, हमारा जो फ़र्ज है हम निभा के रहेंगे। और सलाम करता जज्बा सलाम करता है मेरा उनको जो फ्रंट फुट पे जो लड़ रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे हमारे पुलिस के नौजवान हैं, चाहे हमारे डॉक्टर्स हैं, चाहे हमारे नर्सेज हैं या पूर्ति को मुहैया कराने वाले हैं, वो सबको जज्बा है। और राष्ट्र के साथ, देश के साथ, इन सब प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, पुलिसकर्मियों के साथ, सेना के साथ एक कदम पीछे कंधे से कंधा लगा के हम तत्पर उनके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। इस खबर में बस इतना ही। कोरोना से बचाव के लिए हाथ धोते रहे, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।